हेलो एवरीवन, मैं सुब्रता। वेलकम टू एजुकेथन। और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लास्ट क्लास में देखे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चरल फंक्शन रिगार्डिंग कुछ देखे थे। आज हम सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर लास्ट क्लास को थोड़ा सा क्विक रिकैप करें तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका हुआ सेल मेम्ब्रेन, मैं CM लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है न्यूक्लियस, और अंदर सेल के सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आज हम देखेंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम एक चीज देखे थे कि सेल मेम्ब्रेन आपका बना है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल का ये कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का। तो आज देखेंगे ये लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैसे अरेंज है सेल मेम्ब्रेन में, और ये आप उसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आप यहाँ का एक ऐसा इतना ऐसा सेक्शन को हम लेके देखते हैं। तो ये रहा आपका लिपिड का अरेंजमेंट। मैं पूरा लेयर नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ा सा सेक्शन लेके आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगी, ये आप अच्छे से समझो। मान लो ये आपका इतना सा सेक्शन है और मैंने अभी सिर्फ आपको लिपिड का अरेंजमेंट में दिखा रही हूँ। तो देखो ये क्या है, लिपिड लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन में, ये आपका दो लेयर में अरेंज्ड है। ये स्ट्रक्चर का पहला और दी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स बाई लेयर में अरेंज्ड है। देखो ये, इसलिए मैंने यहां पे ऐसे देखा, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, ये आपका लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है। इसमें से एक लिपिड मॉलिक्यूल्स को लिख के देखते हैं। देखिए ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, हम सेल खत्म होने के बाद इमीडिएटली जब बायो मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तब हमको डिटेल में और समझ में आएगा। अभी के लिए जितना जरूरी है मैं आपको वही समझा रही हूँ। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है सपोज, तो ये बेसिकली फैटी एसिड्स ही है। तो ये आपका हुआ पोलर हेड, ये आपका हुआ नॉन पोलर टेल। मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपका हेड है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हेड मॉलिक्यूल है, लिपिड का हेड है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका टेल है। मैंने यहाँ पे लिखा है पोलर हेड। पोलर मतलब लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड है वो पोलर है, जो टेल है वो नॉन पोलर है। लास्ट क्लास में मैं आपको बोली थी कि पोलर और नॉन पोलर के बारे में कुछ डिटेल में जानना है। तो इस पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, बॉन्ड किसे कहते हैं, ये आपका एजुकेशन में जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो केमिस्ट्री वीडियो में वो अभी अपलोड हो चुका है लास्ट वीक। अगर किसी को भी डाउट है आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का ये वाला है पोलर पार्ट, ये वाला है, ये वाला पार्ट है नॉन पोलर पार्ट, और ये अरेंजमेंट ऐसा है। तो ये ऐसे अरेंजमेंट के पीछे भी कुछ रीजन होगा, तो उसी को हम स्टडी करते हैं। पोलर हेड मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो उनके लिए दो इसके लिए और एक टर्म है हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर के लिए हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, ये सेम वाटर, फोबिया मीन्स फियर। ठीक है, घबराना नहीं, समझा रहे हो क्या है ये। हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोफिलिक है, मतलब सारे पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर लविंग है। वाटर लविंग मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन करना उनके लिए फेवरेबल है, या आप वो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स आपका वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब फियर ऑफ वाटर, मतलब वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब वो
वाटर के साथ उनको फियर है, मतलब वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करना फेवर नहीं करती, मतलब वो पसंद नहीं करते कि वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या ट्राई करते हैं कि वो वाटर से दूर रहे, मतलब एक्वस एनवायरमेंट जहां पे भी हो वहां से वो अपने आप को दूर रखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करना फेवरेबल है उनके लिए, वो पसंद करते हैं कि हमको वाटर के साथ इंटरेक्ट करना है, नॉन पोलर को नहीं करना है वाटर के साथ इंटरेक्शन। यही एक रीजन है जो आपका सेल मेम्ब्रेन का जो ये अरेंजमेंट है इस तरह से है। आप देखो अगर ये वाला स्ट्रक्चर को आप ऐसे लेके देखोगे, ये 3D अगर आप इमेजिन करो कितना स्ट्रक्चर, आप देखो ये वाला पोर्शन में आपका आया, देखिए सेल मतलब आपका ये मान के चलो वो वाटर उसमें होगा ही, आपका मोर देन 70% आपके सेल में वाटर है तो इंटरेक्शन तो होगा। देखिए ये थोड़ा मैंने इधर क्या आपको इतनी सी लेयर को आप समझ के चलो, ये सेल का इंटीरियर है तो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे आपको सेल में डालकर होगा आपका ये वाला, ये एक सेल तो नहीं है ना, आपको बहुत सारे सेल है, ये जो बाहर वाले जो सेल के बाहर का जो सेल है उसको आप क्या कहते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। यहाँ पे भी वाटर के इंटरेक्शन होगा तो इंटीरियर में भी एक्वस है एक्सटीरियर में भी एक्वस है। अरेंजमेंट आप देखो, एक्सटीरियर अट्रैक्शन इंटरेक्शन के लिए पोलर मॉलिक्यूल ये वाला आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन कर रहा है, ये वाला आपको, ये अगर आप पूरा सेल लेके चलो ये आपका इंटीरियर है, ये वाला मॉलिक्यूल्स जो सेल की इंटीरियर के जो इंटर में जो वाटर है उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। बीच वाला लेयर पे आप देखो ये जो बाई लेयर अरेंजमेंट है यही इसका स्ट्रक्चरल पिक्युलियरिटी है और यही आपका फंक्शन में इम्पोर्टेंट है। बाहर में रहा आपका पोलर, अंदर सेल के इंटीरियर साइड में आपका पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो ये नॉन पोलर पार्ट है लिपिड मॉलिक्यूल का, यही वाला पोर्शन जो है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। आप अगर आप एनसीईआरटी 11 क्लास 11 का जो बुक का जो डायग्राम है वहां पे आप देखो कि 3D डायमेंशन वहां पे कैसे दिखा रख, मतलब है पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे पैकेज, मतलब ये अगर पैकेजिंग ऐसे हो गया तो पोलर आपका ऐसे ऊपर रहा, पोलर बेस से सेल के नीचे सेल के साथ इंटरेक्शन इंटीरियर के साथ भी पोलर रहा, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये बीच वाला पोर्शन है ये आपका हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक कोर जो आपको वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब तब फंक्शन में आएंगे कि जो फंक्शन था ना, हम तीन तरह की ट्रांसपोर्टेशन हम देखे थे कि कोई चैनल के थ्रू जा रहा है, कोई एनर्जी के साथ जा रहा है और कोई सीधा डिफ्यूज हो जा रहा है, इसी वजह से हो रहा है। उस पर हम आएंगे थोड़ा और स्ट्रक्चर देखने के बाद। ये हो गया आपका लिपिड अरेंजमेंट, याद क्या रखना है, बाइलेयर अरेंजमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल्स आपका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और इंटीरियर पार्ट जो इसका है अरेंजमेंट का जो हाइड्रोफोबिक कोर है जो स्ट्रिक्टली नॉन पोलर है। सेकेंड आएंगे आप हम आपका प्रोटीन अरेंजमेंट में, प्रोटीन कैसे अरेंजमेंट होता है, ये पहला थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रही हूं, ठीक है। प्रोटीन का अरेंजमेंट दो तरह का होता है, कैसे, कुछ प्रोटीन होते हैं, सपोज आप मान लो ये प्रोटीन है तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा देखो, ये जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें ये प्रोटीन पूरा एम्बेडेड है, मतलब पूरा वो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, पोलर पार्ट के साथ भी है, वो पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होके है ये वाला प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे है मतलब इस साइड में भी है, ऐसे नहीं खाली अपर लेयर में प्रेजेंट है, कोई भी लेयर में प्रेजेंट होता है, अपर या लेयर दोनों में। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपका ऐसे खाली प्रोटीन के साथ, मतलब जो पोलर हेड के साथ अटैच होते हैं। दो तरह का प्रोटीन है, सेम स्ट्रक्चर आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, मैं बस यहाँ पर बोल रही हूँ। इसलिए प्रोटीन आपका दो तरह का है मेम्ब्रेन में, ये जो प्रोटीन एम्बेडेड है इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन खाली पोलर पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ये है आपका
पेरिफेरल प्रोटीन, इसको आप एक्सटर्नल प्रोटीन भी कह सकते हो, सॉरी इंटरनल, ये वाला था पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटीन भी आप कह सकते हो। तो प्रोटीन अरेंजमेंट दो तरह का है, दो तरह का प्रोटीन आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, एक आपका पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन है जो आपका ऊपर रहता है, मतलब वो मेम्ब्रेन के साथ पूरा मतलब कोर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो सुपरफिशियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से अगर आप एक चीज के अगर रिमूव करना चाहो मेम्ब्रेन से प्रोटीन को, कौन सा प्रोटीन रिमूवल इजी होगा आपके लिए? ऑब्वियसली पेरिफेरल वाला, क्योंकि ये सुपरफिशियल इंटरेक्शन कर रहा है यहाँ पे, यहाँ का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आपका बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कौन सा इंटरेक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करना इतना इजी नहीं है। तो ये आपका हुआ प्रोटीन अरेंजमेंट। बाकी कौन सा रहा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपेयर टू लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ज्यादातर वो क्या करता है, आइदर वो प्रोटीन के साथ अटैच रहता है या फिर वो लिपिड के साथ अटैच रहता है। जो प्रोटीन के साथ अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो लिपिड के साथ अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स सुगर, कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो अटैच है, तो लिपिड के साथ अटैच हुआ तो ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन के साथ अटैच हुआ तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये रहा आपका लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और इसी मॉडल को जो ये जो प्रपोज हुआ था कि ये लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऐसे अरेंज है, इसी अरेंजमेंट है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। डेफिनेशन पे लास्ट में इसलिए आए कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, उससे आप डेफिनेशन को याद रखो, डेफिनेशन को रट्टा मार के कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यही है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको प्रपोज कौन किए थे? साइंटिस्ट का नाम अगेन इंपॉर्टेंट, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक की प्रॉपर्टी में और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी इतना याद रखो, ये जो अरेंजमेंट है सेल मेम्ब्रेन का, इसका है फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये मॉडल सिंगर और निकोलसन प्रपोज किए थे। अरेंजमेंट है लिपिड यहाँ पे बाई लेयर में अरेंज है। देखिए लिपिड बहुत तरह से अरेंज हो सकता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड अरेंजमेंट बाई लेयर का है। प्रोटीन दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, एक्सट्रिंसिक जो है पेरिफेरी में रहता है। लिपिड अरेंजमेंट पोलर एंड नॉन पोलर होता है। पोलर जो हेड है वो आपका फेस करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, जो कि आपका वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। और जो नॉन पोलर टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक कोर है, जो कि वाटर से दूर रहता है। कार्बोहाइड्रेट आइदर प्रोटीन के साथ अटैच रहता है या फिर लिपिड के साथ अटैच रहता है। ये आपका स्ट्रक्चर का बेसिक है, ये ऐसे पूरा आपका सेल मेम्ब्रेन अरेंज रहता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में थोड़ा देखेंगे। उससे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल में और एक चीज है, फ्लेक्सिबल क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। ये कुछ टर्म है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के साथ। देखिए आपका जो लिपिड प्रोटीन अरेंजमेंट है, ये क्वासी फ्लूइड में सेमी फ्लूइड हाफ फ्लूइड। आपका ये जो फैटी एसिड लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ऐसे रिजिड अरेंजमेंट में नहीं है। आप टेल पे फोकस करो, ये रिजिड अरेंजमेंट नहीं है। रिजिड अरेंजमेंट होता तो क्या होता है, पूरा स्ट्रॉन्ग अगर कोवेलेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होता है। सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे उसका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। वो अगर रिजिड हो जाएगा तो हमारे फंक्शन पे वो इम्पैक्ट करेगा। हमको क्या चाहिए, फ्लूइड अरेंजमेंट, मतलब ऐसे अरेंजमेंट। और ये जो ट्रांजिशन है, अगेन आपका फैटी एसिड का, आप जो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, अभी नहीं पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे हम लोग, इतना याद रखो ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। और ये फ्लूइडिटी मेंटेन होता है
इसी ट्रांजिशन के वजह से ही लिपिड मॉलिक्यूल्स के वजह से, और यही फ्लूइडिटी का बेस है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड लेयर में मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन से यहाँ पे रहेगा फिक्स नहीं है, वो मूवमेंट कर सकता है, इस तरफ आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर सकता है। तीन तरह का रोटेशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही मोशन दिया गया है जो है कि लैटरल मोशन। लैटरल मोशन मीन्स साइडवाइज मूवमेंट, मतलब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है यहां से यहां तक आ सकता है, यहां से यहां तक आ सकता है, यहां से मतलब यहां से यहां को आ सकता है, ये हुआ आपका लैटरल मूवमेंट। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड लेयर में ऐसे मूवमेंट कर सकता है, ये इसका फ्लूइडिटी है। फ्लेक्सिबल भी इसलिए है ना, लिपिड मॉलिक्यूल्स आपका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो फ्लेक्सिबल और क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, रिजिड नहीं है, और लैटरल मूवमेंट प्रोटीन का पॉसिबल है। प्रोटीन का ट्रांसफर अब दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये अपने दिमाग में फिक्स मत करो कि प्रोटीन खाली साइड वाइज मूवमेंट कर सकता है। ये रखो, याद रखो बस इतना, प्रोटीन अपने एक्सिस के साथ भी रोटेट कर सकता है और यहाँ से इस लेयर में भी आ सकता है, यहाँ से इस लेयर में भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा रेयर प्रोसेस है, लेकिन ये होता है और इम्पोर्टेंट भी है ये वाला, ये हम आगे देखेंगे अगर कहाँ पे आपका मेंशन हो। तो अभी के लिए लैटरल मूवमेंट इसका पॉसिबल है। तो अभी हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट, हम फर्स्ट क्लास में देखे थे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम देखे थे ना पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट। तो यहां से समझो, जो हम लोग बोले थे गैस लेयर में इजीली डिफ्यूज हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनको प्रोटीन चैनल का जरूरत है। अभी आप समझो गैस क्यों इजीली डिफ्यूज हो गया। जब 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप ये पूरा आपका हो गया इंटरनल पोल, आपका हाइड्रोफोबिक हो गया। जो गैस है वो क्या है आपका, नॉन पोलर या पोलर? ऑब्वियसली नॉन पोलर है, CO2 ले लो या O2 ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी नॉन पोलर ले लो। यहाँ पे पूरा इतना बड़ा हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट है, तो क्या करेगा वो, प्रिफर करेगा कि मैं कोर के साथ इंटरेक्ट करके जाऊं या ना जाऊं? ऑब्वियसली प्रिफर करेगा, क्योंकि ये गैस भी नॉन पोलर है, ये कोर भी नॉन पोलर है, तो इंटरेक्शन पॉसिबल है, फेवरेबल इंटरेक्शन है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी खर्चा करना चाहिए कि मैं प्रोटीन चैनल के साथ इतना करूं? कुछ नहीं, उसको एनर्जी स्पेंड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें फेवरेबल इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए वो इजीली डिफ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन कोर के थ्रू, हाइड्रोफोबिक कोर के थ्रू, क्योंकि ये इंटरेक्शन फेवरेबल है, दोनों हाइड्रोफोबिक है। कोई भी एक चार्ज आयन को ले लो, सपोज ले लो सोडियम प्लस, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये पोलर है, कोर नॉन पोलर है, वो नहीं चाहेगा कि मैं हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करूं। उसके लिए इजी वे क्या होगा, उसको कोई चैनल की हेल्प चाहिए, प्रोटीन चैनल की हेल्प चाहिए या पंप की हेल्प चाहिए, या फिर वो एनर्जी स्पेंड करे या फिर विदाउट एनर्जी जाए। एनर्जी कहाँ पे स्पेंड करेगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में जा रहा है, जहां पे हायर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझो इसको। जो नॉन पोलर है वो कोर के साथ इंटरेक्ट करके पास डिफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो इतना बड़ा कोर है उसके साथ उसका इंटरेक्शन फेवरेबल है, वो कर सकता है। लेकिन जो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस जो आएगा वो चाहेगा क्या कि मैं इस हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करूं, क्योंकि वो चार्ज है, नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, एक प्रोटीन चैनल का हेल्प से वो क्रॉस करने का कोशिश करेगा। तो यही स्ट्रक्चरल पिक्युलियरिटी है जिसके वजह से आपका इस तरह से ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी है हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि वो वाटर लविंग नहीं है और हाइड्रोफोबिक कोर भी लविंग वाटर लविंग नहीं है। जो लोग पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पोलर है, पोलर के साथ पोलर इंटरेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू इस सेल के इंटीरियर में या फिर यहां से बाहर जाने का वो अपना देखते हैं। तो इसी बेसिस पे आपका जो ट्रांसपोर्ट है दो तरह का है, वन है एक्टिव, एक है पासिव,
इसका मैंने आपको सब समझा दिया है, बस आप डेफिनेशन देखो कि किसको एक्टिव कहते हैं और किसी को पैसिव कहते हैं। जो तीन तरह का था ना आपका, एक डिफ्यूज करता है, एक चैनल में एक एनर्जी और एक बिना एनर्जी के साथ। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी चाहिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। यानी जो मॉलिक्यूल्स बिना एनर्जी स्पेंड किए ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं वो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जो एनर्जी के साथ आपका ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसका ट्रांसपोर्ट जाएगा? गैस का ट्रांसपोर्ट जाएगा। गैसेस मॉलिक्यूल जितने भी है उनको एनर्जी का जरूरत नहीं है, इजिली पास हो जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो तरह का है, दो आपका डिटेल में नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या जाता है? डिफ्यूजन जाता है, ऑस्मोसिस जाता है, जो कि एक सिंपलेस्ट टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन आप कह सकते हो। और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है समझने के लिए देख लो बस। यार डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होगा? सिंपल वो मेम्ब्रेन लेयर के साथ आ गए। फैसिलिटेटेड में क्या होगा? प्रोटीन चैनल का वो उनको जरूरत पड़ेगा लेकिन एनर्जी स्पेंड नहीं होगा। डिफरेंस इतना ही है, एक्टिव मीन्स एनर्जी चाहिए, पैसिव मीन्स एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव में दो तरह का, जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन, बिना चैनल के सिंपल मेम्ब्रेन इंटरेक्शन के साथ वो आ जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उनको एनर्जी नहीं चाहिए, पैसिव मीन्स नो एनर्जी, बट उनको चैनल की हेल्प लगती है। इतना ही है आपका एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल में आपके सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मेंशन है, दो इस पंप के बारे में नहीं, डिटेल नहीं है, बस ये पंप लिखा गया है आपको, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का पार्ट है। डिटेल नहीं है तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए इतना देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ना, और ये जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे है, इसका फंक्शन आप जितना भी फंक्शन यहाँ पे होता है, अगर आप देख लो एंडोसाइटोसिस हो गया, जो भी हो गया, वो इसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के वजह से रहता है। ठीक है, तो ये जो पंप है आपके जो सेल में, जो आपके सारे आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहना जरूरी है। सोडियम कैसे, पोटेशियम कहाँ मेंटेन होगा, सोडियम कहाँ मेंटेन होगा, ये जो पंप है आपका, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या फिर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है, या फिर अगर इजी वे में बोले जो आपका मैसेज ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जो एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज जाता है, जो आपको आप सेल सिग्नलिंग कह देते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी वो पार्ट है, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप टर्न बस जानो, उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली सेल के बाहर से या अंदर से आपका सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। किसमें किया जाता है अनदर को बहुत थोड़ा एलाबोरेट टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये पंप के लिए मेंटेन होने के लिए ये इनका जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में आता है। तो आपके सिलेबस में और सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग डिटेल्स कुछ है नहीं, इतना आप याद रखो कि ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाइलेयर में अरेंज है और कहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, और ये जो पोलर नॉन पोलर, ये जो फैटी एसिड का ये जो ट्रांजिशन थोड़ा सा है, ये हम देखेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे, तो वहां पे हम उसको डिटेल देखेंगे कि कैसे हो रहा है। अभी के लिए बाइलेयर अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे अटैच हो रहा है वो आप देखो, फिर ट्रांसपोर्ट जो हम लास्ट टाइम अच्छे से स्टडी किए थे वो वाला पोर्शन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट वही है, बस इसमें एनर्जी चाहिए एक्टिव में, पैसिव में आपको एनर्जी नहीं चाहिए, और ये पंप मेंटेन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यही एक सोडियम पोटेशियम पंप है, और सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मेंटेन करता है, वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, रिजिड नहीं है, क्योंकि रिजिड हो जाएगा तो हमारा फंक्शन हैम्पर हो जाएगा, और ये फ्लेक्सिबल है, प्रोटीन का मूवमेंट पॉसिबल है इसमें, और ये इसका फ्लूडिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यही इम्पोर्टेंट चीज है, और ये है कि ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है, कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों कैसे जा रहे हैं, नॉन पोलर कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर की वजह से जा रहा है। ये वाला पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर इस वीडियो में, अगर इसी क्लास में आपको कोई भी डाउट आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आपको हमें भेज सकते हो, या फिर हमें मेल भी कर सकते हो एजुकेशन की मेल आईडी पे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें से कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर कीजिए। तो आप भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।